अच्छा एयरपोर्ट के जमाने में ईयरफोन यूज करने वाली लड़की हूँ मैं। आई ऑलवेज प्रिफर नीम फोम। बाय द वे इट्स अ गुड टिप, जब आप नीम फोम यूज करते हो तो आप हेयर फॉल कम इन्वाइट करते हो, ये फैक्ट है। ये वॉलेट जो है ये 7 ईयर्स पुराना है और मुझे लगता है जब कोई चीज़ आपके लिए वर्क करती है तो उसको थ्रो नहीं करना चाहिए। 7 साल हो गए और ये पेपर वाला वॉलेट मैं आज तक यूज़ करती हूँ। 7 साल से मैं कॉलेज से यूज़ कर रही हूँ। दिस इज माई ऑक्सीजन, आई कॉल इट पावर बैंक। ये बहुत ज़रूरी है, बैटरी मेरी खत्म हो जाए चलेगा, मोबाइल की नहीं होनी चाहिए। हाई, माय नेम इज सना सुल्तान एंड यू आर वॉचिंग मी on India Forums and we are playing What's in Your Bag segment. Let me tell you guys, this is very candid. She didn't inform me at all, but now my bag apne organize karke aati. So bahut candid hai. So I'm open to judgment, as I said. Let's go. Let's go, let's dig in, come on. What's the first पहले thing तो मास्क से। मास्क, of course. ये मुझे लगता है pollution से ज़्यादा fans से बचने के लिए है ना? हाँ, मतलब हाँ, पहचानते हैं आप सभी और मुझे पहचानते हैं माशाल्लाह, तो ये रखना बहुत लाजमी है। उसके अलावा मेरा कॉम्पैक्ट और ये मेकअप। मेकअप बहुत है बाय द वे, मैं थोड़ा कम करती पहले बोलना चाहिए। ओके, आई हैव माय कॉम। I always prefer neem comb. By the way, it's a good tip. जब आप नीम कोम यूज करते हो तो आप हेयर फॉल कम इनवाइट करते हो, ये फैक्ट है। तो नीम कोम बहुत आधा दर्जे का कोम होता है, प्लास्टिक अवॉइड करो, नीम कोम यूज किया करो, एंड यू कैन थैंक मी लेटर फॉर दिस टिप। देन सो दिस इज अ वेरी क्यूट थिंग। ये वॉलेट जो है ये 7 ईयर्स पुराना है और मुझे लगता है जब कोई चीज़ आपके लिए वर्क करती है तो उसको थ्रो नहीं करना चाहिए। 7 साल हो गए और ये पेपर वाला वॉलेट मैं आज तक यूज़ करती हूँ। 7 साल से मैं कॉलेज से यूज़ कर रही हूँ और ये देखो माशाल्लाह पेपर है तो भी ये बिल्कुल फटा नहीं है, थोड़ी सी इसकी हालत ऐसी है, बट 7 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और जब से मैं यूज़ करी मेरी पर्स कभी खाली नहीं होती। टच वुड, माशाल्लाह। तो ये मेरे लिए लकी है। समवन गिफ्टेड? नहीं है, मैंने खुद लिया है। वंडरफुल। और ये मेरे लिए वर्क किया है। तो हम कहते हैं ना कि सोना पत्थर ये सारी चीजें नहीं, कोई भी चीज आपके लिए फलती है, बट इट्स जस्ट दैट आपको फेथ होना चाहिए, तो मुझे इसके ऊपर है। कहाँ से लिया था ये बाय द वे? मुझे सच में याद भी नहीं मैंने कहाँ। वेरी प्रिटी, आई मीन आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस। इट्स अ पेपर वॉलेट। या सी, आई रिमेंबर। उसके ऊपर मैंने मैनिफेस्टेशंस भी लिखे हैं जिसमें से 2 तो पूरे हो गए। हाय। फिर व्हाट डू आई हैव इन माय बैग? सम फ्रेश वाइप्स, वेरी इम्पोर्टेंट। एंड सो मैं शायरी लिखती हूँ, सबको पता है। तो कई मरतबे ये होता है कि मुझे शायरी लिखनी होती है, बस पेन पेपर अवेलेबल नहीं होता, तो मैं 24 घंटे कैरी करती हूँ। कोई थॉट आ जाए तो मैं लिख लूँ और मुझे मेरे गाने के लिए कॉन्टेंट मिल जाए। परफेक्ट यार। सो आई कैरी दिस। I mean, आजकल के नोट्स के जमाने में भी हम दिस जब मैं लिखती हूँ तब मुझे लगता है कि मैं ज्यादा प्यारा सोचती हूँ, जब मैं टाइप करती हूँ तो वो सोच नहीं आती, पता नहीं इसका क्या कनेक्शन। ओल्ड स्कूल थिंग्स में भी, बट या दैट इज हाउ इट वर्क्स। ऑफ कोर्स सम बॉडी मिस्ट, ऑलवेज स्मेल गुड। आई थिंक फर्स्ट टर्न ऑन फॉर एनी गर्ल और अ गाय इज अ गुड सेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। सम लिपस्टिक शेड्स दैट न्यूड शेड्स, यू वांट मी टू स्वॉच इट फॉर यू? Or it's okay. No, it's okay. We nude like pink. I guess I have nude. These also. Yeah, maybe. Peachy nude. बहुत सही है। Yeah, it's very nice. I love it. Peachy nude. So I'm more of a nude fan. I don't like dark lips. I like more of nude, peach, pink, mauve, these kind of colors. अच्छा, एयरपोर्ट के जमाने में ईयरफोन यूज करने वाली लड़की हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है जेन्युइनली ये ज़्यादा कंफर्टेबल है ईयर्स में। और उसके अलावा अब मैं आपको बता दूँ, ये फैक्ट है आपके शो के थ्रू, कि एयरपोर्ट से ब्लास्ट होता है और एयरपोर्ट्स बहुत सारे हाल ही में ब्लास्ट हुए। आप बेशक न्यूज़ खोल के देख लो, दीज आर सेफ। सो फॉर दैट मैटर आई ऑलवेज प्रिफर कि मैं ये यूज़ करूँ। कंफर्टेबल तो है बट ये ब्लास्ट नहीं होते, एयरपोर्ट्स बहुत ब्लास्ट होते हैं और बड़ी बड़ी कंपनी के होते हैं, चालू वाले नहीं ना। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। दिस इज माई ऑक्सीजन, आई कॉल इट पावर बैंक। ये बहुत ज़रूरी है, बैटरी मेरी खत्म हो जाए चलेगा, मोबाइल की नहीं होनी चाहिए। सो पावर बैंक ऑफ कोर्स, एंड अगेन थोड़ा सा इत्र, आई लाइक थोड़ा सा, आई लाइक टू स्मेल गुड, आई लव टू स्मेल गुड। एंड व्हाट एल्स डू आई हैव सम ज्वेलरी आल्सो, आई हैव केप्ट स्पेयर ज्वेलरी जस्ट इन केस, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ इयररिंग्स वो सब पहनना, तो मैं थोड़े बहुत रख लेती हूँ। टॉप्स और मेरे पास क्या है? अच्छा ठीक है, देखो आप लोग मेरे को थोड़ा सा जज करोगे बट कर लो, कोई मसला नहीं है। अगेन प्रॉपर गुची और ये सारी वॉलेट
यूज करने के, ब्रांडेड वॉलेट यूज करने के जमाने में मैं ज्वेलर वाली वॉलेट यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी अम्मी जान ने दी है और उन्होंने इसमें पैसे रख के दिए थे ये बोल के कि तुम्हारी पर्स कभी खाली नहीं होगी। और मुझे ये शो ऑफ करने में कोई मसले में साइल को जज करना है, करो, ब्रांडेड बैग से बेटर मेरी अम्मी की ज्वेलरी वाली बैग है क्योंकि उन्होंने इसमें दुआ पढ़ के दी और ये सच में कभी ये भी खाली नहीं होती। बट ट्रस्ट मी सना, 90% औरतों के पास ये होता है पाउच। क्या बात कर रहे हो, मेरे खुद के पास है पॉइंट्स रखने के लिए, क्योंकि इसमें बरकत होती है, ये ज्वेलरी वाले पाउच में बरकत होती है, आप नोटिस करो, मैं सच कह रही हूँ। सो मे बी इसीलिए आप भी ट्राई करो एक बार अपना वर्सेची को बाजू में रखते हैं फिर थैंक यू बोलना ना, बट शर्त ये है कि अपनी अम्मी से पैसे डलवा के लेना तब आप मुझे बोलना। करेक्ट। फिर मेरे पास और क्या है, फिर जो थोड़े से गर्ली स्टफ होते हैं वो है रबर बैंड ऑफ कोर्स, एंड देयर इज अ हेयर क्लिप आल्सो सामने एज यूजुअल, हेयर क्लिप आल्सो आल्सो। एक टाइम पे मेरे बैग में 10-10 लिपस्टिक होती है, काउंट करें क्या, टेंशन में आ जाओगे अब तो मुझे देखना है। मेरे टेबल पर 100-200 के ऊपर होगी जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है, ड्रॉअर के अंदर 500-600 होगी, वाओ, और इसके अंदर 5-6 तो नीचे हम काउंट करते हैं, 2-3-4 डोंट जज मी प्लीज, 5-6 वंडरफुल, 7 सना ये सब मुझे बेचने के लिए लाई है, 8 9 आर यू सीरियस सना, आई एम वेरी सीरियस, आई कैरी लाइक यू नेवर नो, 9 देख रही हूँ जस्ट इन केस। गाइस मैं आपको बता दूं, मैं लास्ट शॉक हुई थी दीपिका पादुकोण के बैग में सिलाई वाला किट देखने के बाद, सुई धागा देखने के बाद, और उसके बाद मैं आज हुई। नहीं अभी आज सिर्फ 9 लिपस्टिक है, सिर्फ 9 है हमारे पास, एंड दैट इज ऑल दैट वी हैड इन हर बैग, दैट्स इट, सिर्फ आधी दुनिया लेके घूम जाऊं ज्यादा, सिर्फ आधी गाइस, अगर बस चले तो वो पूरी भी लेके घूम सकती है, बट दैट इज ऑल। गाइस क्विक क्वेश्चन सना, व्हाट डज योर बैग टेल अबाउट यू एज अ पर्सन, इट सेज इनफ, गेस, keep guessing, I'm a mystery, for friends I'm like an open book, but for non-friends I'm more like a crossword puzzle, so keep guessing. Wonderful. If you had to carry one thing to an island from your bag, to kya carry karoge? From my bag, kuch khane ka nahi hai, kuch khane ka hota to karti, but I'm smart enough, paise se kya nahi aata, so I would carry my wallet. Wonderful. Things that are of no use in your bag, but are still there. Wait. ये मेरे दर्जी का बिल, इसका कोई काम नहीं है लेकिन ये तो भी है, ये दर्जी का आशीर्वाद, उसके बिना तो ड्रेस नहीं मिलनी, फिर तो फोटो भी लेके ड्रेस मिल के सामान हो गया तो भी बढ़िया। वन थिंग यू वुड लाइक टू गिफ्ट योर फैंस फ्रॉम योर बैग, प्यारा सा नोट, बिकॉज जो काम खूबसूरत अल्फाज करते हैं वो दुनिया की कोई महंगी चीज नहीं कर सकती। आई स्टिल रिमेम्बर ऑटोग्राफ्स का एक दौर हुआ करता था, नहीं आई नो राइट, अभी तो फोटोग्राफ आ गया, मतलब लिख के लोग संभाल के रखते थे वो सारी चीजें, वो आज भी होता है बट तब होता है जब कोई बहुत प्यार करता है आपसे, वरना तो एक सेल्फी दे दो मैम, ट्रू, तो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट डे कि मैं इतनी कामयाब हो जाऊँ जब कोई ऑटोग्राफ लेना है, टच वुड, सून सून इंशाल्लाह, लेट्स मैनिफेस्ट। आर यू समवन हु हैज अ बैग फेटिश, हुएवर bag fetish? No. I do have plenty of bags, but there's no fetish as such. Okay. According to you, teen most essential cheeze aapki bag mein kaun si hai? Essential. Of course, money. My power bank. And I think if I have music, then I can go anywhere in the world. Really? Yeah, I love music. I can't travel without music. I think it's my best partner. Wonderful. And I love solo travel then. So these three things, yeah. These three things were perfect. If you get a chance to invade someone's bag, who would it be? I think for now, Rihanna. I think she's such a queen. I would want to see what does she carry in her bag. Rihanna. I love Rihanna. Uh-huh. I love the savage queen that she is. Uh-huh. And I also love the way she carries herself in spite of having, you know, that kind of complexion. She, you know, carries herself so beautifully. Her face is always, you know, highlighted and so pretty. We will look like this in front of her. It's so beautiful her face. Wow. I want to see what products she keeps. Any Indian celebrity? Indian celebrity? I think Kareena Kapoor. Uh-huh. Bebo for short. Of course. She's also always glowing without makeup also. So I would want to see what her skincare looks like. And then I'm sure she might be having some hint of it in her bag. I also think it's a lot of jeans that she has got from her mother. Yeah, nah, I think so. Yeah, those Punjabi jeans. Yeah. Typical. I think the entire Kapoor khandan. Yeah.
good raha. So pretty, no, my God, she's a good combination of Bhatt and Kapoor. Yeah, proper amalgamation. Yeah, 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 totally.